तो गाइस आपको एक और चीज़ बताना था मुझे। मुझे चाहिए कैमरा, मुझे चाहिए इक्विपमेंट्स भाई। तो भाई इतना पैसा तो नहीं था मेरे पास कि मैं कैमरा या इक्विपमेंट्स ख़रीद पाऊँ, क्योंकि मेरे पॉकेट मनी में इतना हो नहीं पा रहा था। किसी तरह मैंने ट्राईपॉड ख़रीदा अपने पॉकेट मनी को जोड़ जोड़ के, लेकिन मुझे अब चाहिए था क्वालिटी कंटेंट, कैमरा चाहिए था मुझे। तो मैंने एक कैमरा देखा है अमेज़ॉन पे, जो कि गोप्रो था, एक अभी बहुत ज़्यादा कम प्राइस का है एक अमेज़ॉन पे कैमरा, जो 2000 कुछ रुपए का है। तो मतलब स्टार्टिंग ही है मेरी। तो भाई कुछ लोग कहेंगे भाई जब ख़रीद रहे हो तो अच्छे से ख़रीद लो, तो भाई मेरे पास 2200 रुपए का अभी बजट नहीं है। तो 2200 का बजट बनाने के लिए मुझे एक पार्ट टाइम जॉब करना पड़ रहा है, जो कि मैं आपको बताऊंगा मैं कहाँ कर रहा हूँ। तो भाई मैं एक साइबर कैफ़े में हूँ, जहाँ पर मुझे काम करना पड़ता है, कंप्यूटर में ही काम करना रहता है। तो भाई मुझे कुल मिला के एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए था, जिससे मैं अपना कैमरे के लिए पैसा निकाल पाऊँ। तो भाई बस मैं कैमरे के लिए पैसा निकाल रहा हूँ भाई किसी तरह, और अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ और पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ। तो भाई बस आप लोगों का सपोर्ट रहा तो भाई आगे तक जाऊँगा मैं, और प्लीज़ आप लोगों का छोटा भाई समझ के प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो भाई, सब्सक्राइब करो चैनल। कुछ लोग होते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख लेते हैं वीडियो चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब्सक्राइब करे तो है लेकिन देखते नहीं है वीडियो, नोटिफाई चला जाता है उनके पास तो देखते नहीं हैं। तो भाई मेरी बाइक बन चुकी है, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि मैं अब ट्रैवल भी शुरू कर दूंगा, ट्रैवलिंग भी शुरू कर दूंगा। भाई देखो मेरा मेन मोटो रहता है कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ, कहीं अगर मैं जा रहा हूँ तो कहीं आपको वो सीन दिखा पाऊँ जो कि इंटरेस्टिंग है, जो कि आप लोगों से परे हो रहा है। तो इलाहाबाद में ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं, ऐसे भी कुछ जगहें हैं जो आप लोग नहीं देखे होंगे, तो वो मैं दिखाऊँगा, मेरे ज़रिए आप लोग देख पाओगे। तो भाई कुल मिला के मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, जैसे कि मुंबई का निखिल हो गए, और जट प्रबोध जी हो गए, और UK07 Rider हमारे अनुराग दोबाल भैया जी हो गए। तो इन लोगों की तरह मुझे भी घूमने का बहुत शौक है यार। ऐसी बात नहीं कि इन लोगों को देखते ही मुझे घूमने का शौक आया, ऐसी बात नहीं। जब भी पापा कहीं जाते थे तो मुझे भी उनके साथ घूमने का शौक रहता था कि पापा मैं भी चलूँगा, तो यही था। और भाई ये कोशिश रहेगी कि मेरी कि एक मैं बाइक, अच्छी सी कोई बाइक, क्योंकि पल्सर तो इतनी दूर नहीं जा पाएगी, लोकली जाएगी, जैसे कि इलाहाबाद जा सके तो चली जाएगी, तो लोकल तो चली जाएगी नॉर्मली, लेकिन दूर दूर नहीं जाना है उसको, क्योंकि वो ख़राब कहाँ खड़ी हो जाए पता नहीं चलेगा। तो भाई इसीलिए मैं एक बाइक परचेज़ करने को भी सोच रहा हूँ। तो कमेंट सेक्शन बता सकते हो कि भाई कौन सी बाइक सही रहेगी। फ़र्स्ट हैंड तो नहीं ख़रीदूँगा भाई, क्योंकि इतना पैसा तो नहीं है, सेकेंड हैंड ही खरीदने की मेरी अभी हैसियत है। तो भाई एक छोटा सा लड़का जो नैनी में रहता है भाई, उसके बड़े बड़े ख्वाब है तो पूरा तो करना ही है भाई, तो क्या कर सकते हैं। तो आई होप सो गाइस आप लोगों को क्या कहते हैं समझ में आ गया होगा। तो भाई प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी बाइक सही रहेगी जाने के लिए, मतलब लॉन्ग राइड के लिए भी सही रहेगी और स्पोर्ट्स में रहे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस यही सब बातें हैं भाई कि जो अंदर है मेरे और मैं बता नहीं पाता हूँ, क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हो, आप मेरी फैमिली हो, तो मुझे आप लोगों से शेयर करना अच्छा लगता है, तो मैं सोचा चलो आपसे शेयर करता हूँ। तो अभी चलता हूँ, देर हो रही है और मुझे जाना है ऑफ़िस, तो वही साइबर कैफ़े जाना है, तो ऑफ़िस टाइप का ही है। तो मैं चलता हूँ और आपको वहाँ अपने भैया से मिलाता हूँ जिनके पास मैं काम करता हूँ, तो चलते हैं हम लोग। और हाँ एक जगह चलो जाने दो, चलते हैं आप लोगों को मिलाते हैं अपने भैया से, चलो।